भाग्य रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पहले की रेसिपी की तरह पसंद आए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दूध नारियल का पेड़ा। इस बार आप जन्माष्टमी पे कान्हा को इसका भोग लगा सकते हैं, जो ये बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसको घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। इसको हम बॉईल कर लेंगे सबसे पहले हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए। तो एक बॉईल आने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉईल आ चुका है और अब इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा करना है। तो आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसे हमें अभी और गाढ़ा करना है। तो ये देख सकते हैं दूध जो है बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये देखिए किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पाउडर शुगर। आप चाहें तो इसकी जगह बूरा भी डाल सकते हैं या चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कर लूँगी इसको अच्छे तरीके से मिक्स। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर। तो इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको डालने से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग 100 ग्राम के करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। तो वो भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसको मिक्स करने के बाद ये एकदम डो की फॉर्म में आ जाएगा। और ये देखिए इसको हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है फिर जैसे ही आप नारियल का बुरादा मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए एकदम ये डो की फॉर्म में आ चुका है। गैस को बंद करेंगे और यहाँ पे मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक शेप दे रही हूँ। आप अपने मनपसंद के अनुसार शेप दे सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है। तो यहाँ मैं इस तरीके से देखिए शेप बना रही हूँ। बहुत आसान है ये पेड़ा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से इसको दबा दूँगी नीचे की साइड में। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं सारे पेड़े बना के तैयार करूँगी। नारियल का ये पेड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसको फटाफट से बना सकते हैं और इसका स्वाद एकदम लाजवाब लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ और इसके ऊपर लगा दूँगी एक पिस्ता ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारे पेड़े जो हैं बना के तैयार कर लिए हैं और ये दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देख सकते हैं कितने दानेदार और कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने पे। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से मुझे लिख कर ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।